नमस्कार, मैं हूं धनश्री। आप देख रहे खबर समझ हो गया। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन की पहल पर CSR फंड के जरिए अजंता फाउंडेशन पीथमपुर द्वारा जिला अस्पताल को फ्लोरोसिस आयन मीटर उपलब्ध कराया गया, जिससे जिला अस्पताल में फ्लोरोसिस बीमारी की नियमित जांच हो सके और इस बीमारी से पीड़ित जिले के लोगों का सही तरह से उपचार किया जा सके, इस बीमारी को खत्म किया जा सके। हालांकि पहले से ही जिला अस्पताल में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लैब में फ्लोरोसिस आयन मीटर उपलब्ध था, जो सही तरह से काम नहीं कर रहा था। ऐसे में फ्लोरोसिस से पीड़ित व्यक्ति की जांच प्रभावित हो रही थी और फ्लोरोसिस आयन मीटर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस संबंध में कलेक्टर को अवगत कराया गया। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन द्वारा तत्काल ही पीथमपुर तहसीलदार प्रताप अगासिया को सतत मॉनिटरिंग और आयन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। 28 जुलाई गुरुवार को अजंता फाउंडेशन के डायरेक्टर दीपेंद्र रजक, HR शशिकांत, प्लांट हेड द्वारा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश रघुवंशी, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल वर्मा, डॉक्टर MD भारती, जिला फ्लोरोसिस कंसल्टेंट को जिला अस्पताल में आयन मीटर उपलब्ध कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए है। आयन मीटर उपलब्ध कराते समय डॉक्टर सुधीर मोदी, डॉक्टर मुकुंद बर्मन, तारा यादव, रंजना चौहान, अमर सिंह आदि स्टाफ के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।